आज का टॉपिक है रेडियंसी ऑफ ईपीएस। ईपीएस दो या तीन ईपीएस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, आउटपुट में एन प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन और एन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एन प्लस एन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एटीएस लगा हुआ है यहाँ पे और दो इनपुट सप्लाई मिल रहा है और एक ईपीएस को दो सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, एटीएस से मिल रहा है। एटीएस क्या करता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, जैसे जनरेटर का सप्लाई कट आउट होगा तो यूटिलिटी की सप्लाई पे ये चेंज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ईपीएस को दो सोर्स मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है एटीएस से, जैसे कि एक सप्लाई डाउन हुआ तो दूसरा सप्लाई पे चेंज ओवर हो गया। ईपीएस कंप्लीट ईपीएस है, इसमें बैटरी बैंक सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट है और ये 100 केवीए के आउटपुट लोड पे ये जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे ये पूरी लोड एक ही हैंडल कर रहा है, अगर इसमें कोई कारणवश कोई फॉल्ट आ गया तो आपकी पूरी सप्लाई डाउन हो जाएगा, इसे बचने के लिए एन प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट को क्या बोलते हैं, एन कॉन्फ़िगरेशन, स्टैंडलोन या यूपीएस कॉन्फ़िगरेशन एन, आप समझे, इसे आपको आसानी रहेगा समझने में एन प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एन प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ सेम रहेगा, ये पीछे एटीएस लगा होगा, दो सोर्स आएगा और दो यूपीएस को आउटपुट को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे सिंक कर दिया जाता है, ठीक है, सिंक करके 100 केवीए के लोड पर डाल जाते हैं। ईपीएस वन और टू दोनों को सिंक कर दिया गया तो एक सिस्टम को एन और दूसरा सिस्टम को प्लस वन और तीसरा रहता तो एन प्लस टू होता, ठीक है। इस तरह ये जैसे ईपीएस बढ़ता जाएगा यहाँ पे एन प्लस टू थ्री बनता जाएगा आपका, जितना ईपीएस होगा उतना, एक के छोड़ के जितना होगा उसको एन प्लस टू होगा तो दो कर सकते हैं, तीन होगा तो तीन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ईपीएस का लोड को पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ये सर्वर है, पीडीयू है हमारा, ये लोड जिस पे कनेक्टेड है, यहाँ जैसे ही ये लोड पे एक ईपीएस डाउन होगा, ठीक है, तो ये पूरा लोड दो नंबर ईपीएस पे चला जाएगा। वो कैसे, जैसे ये दोनों को पैरेलल में जोड़ा हुआ है तो 100 केवीए का लोड ये 50% इस पे है, 50% इस पे है, जैसे इसमें किसी कारण बस ईपीएस टू नंबर फॉल्टी हो जाता है, ठीक है, इन्वर्टर रेक्टिफायर में कोई फॉल्ट जाता है, ये बैठ जाता है, ये बैटरी बैंक कोई इशू हो जाता है, बैठ जाता है, तो उस समय ईपीएस एक नंबर पे सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, उससे ब्रेकडाउन से आप बचा जा सकता है और ब्रेकडाउन से सेफ रहता है आदमी, ठीक है। इसे आप समझ गए, दोनों ईपीएस के आउटपुट में आर वाई बी फेज को सिंक किया जाता है। उसे सिंक करने के लिए क्या क्या सिंक किया पूछेगा, तो क्या क्या सिंक करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, आउटपुट वोल्टेज को कॉन्फ़िगर किया जाता है, बैटरी की कैपेसिटी और दोनों का रेटिंग सेम रखना चाहिए, जिसे वो कॉन्फ़िगर होता है वो ईपीएस इंस्टॉलेशन टीम करती है। उसके बाद समझते हैं एन प्लस एन ईपीएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एन प्लस एन ईपीएस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि पीछे इनपुट लगा होता है एटीएस, जैसे पीछे में सारे में लगा हुआ था, और दो ईपीएस को आउटपुट में एटीएस लगा दिया जाता है, और 100 केवीए जैसे कि ईपीएस नंबर वन है, ईपीएस नंबर टू है, और इसको 100 केवीए का लोड जोड़ दिया गया है। अगर ईपीएस वन डाउन होगा तो एटीएस क्या करता है, ऑटोमेटिक लोड को ट्रांसफर कर जाएगा ईपीएस नंबर दो पे, और दो पे कोई फॉल्ट होगा तो एक नंबर पे स्विच कर जाएगा, इसको बोलते हैं एन प्लस एन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब कि एक के साथ एक ईपीएस है, ठीक है, क्लियर है। इसके आउटपुट में एटीएस लगा हुआ है, उसके आउटपुट में क्या है कि दो अगर एन प्लस वन है तो दो ईपीएस को क्या किया गया, आउटपुट को सिंक कर दिया गया। यहाँ पे सिंक नहीं होता है, दोनों सप्लाई आता रहेगा जिस पे इसकी सप्लाई चल रही है, जैसे आप वन पे सेट करेंगे, प्राइमरी वन पे सेट करेंगे तो एक नंबर ईपीएस पे लोड रहेगा, दो नंबर पे सेट करेंगे दो नंबर सेट रहेगा, जैसे कोई ब्रेकडाउन होता है तो एटीएस क्या करता है, ऑटोमेटिक लोड को ट्रांसफर कर देता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल ईपीएस क्या है, मॉड्यूलर ईपीएस क्या है और क्या क्या मेन पार्ट्स होता है उसमें, ठीक है, और कैसे काम करता है। मॉड्यूलर ईपीएस में क्या होता है कि मॉड्यूलर लगा होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें 60 केवीए का ईपीएस है और 30 केवीए और बढ़ाना है तो 30 केवीए का रैक उसमें खाली रहता है और 30 केवीए बढ़ाएंगे हम तो 30 केवीए कैपेसिटी बढ़ते जाता है। इसमें ये फायदा है, मॉडिफाई हम उसको कर सकते हैं, रेटिंग बढ़ा सकते हैं, बट कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें एक और चीज़ होता है जो कि जैसे कि पांच रैक का 30-30 केवीए का पांच रैक लगा हुआ है मॉड्यूलर टाइप में, अगर एक में फॉल्टी हुआ तो चार आपका चल तो रहा है, ठीक है, इसे क्या ब्रेकडाउन से बचने के लिए ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इससे बचा जा सकता है मॉड्यूलर टाइप, अगर आप बीपीएस लगाते हैं तो। हम तो सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना तो सीधा मॉड्यूलर टाइप ईपीएस लगाइए, उसमें आपका ब्रेकडाउन का चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मेंटेनेंस जीरो हो जाता है और बिल्कुल कम स्पेस लेता है वो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।